हेलो एवरीवन, वेलकम और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2023 नई साल, नया साल आ गया है। एंड यू नो, अब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप नए रेजोल्यूशंस बनाइए, व्हाट यू वांट टू डू, कैसे चीज़ों को करना है। अपने पुरानी उस इमेज को भूल जाइए जो आप पसंद नहीं करते थे। ट्राई टू चेंज दैट, ट्राई टू कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करिए, बिकॉज चेंज ही इज़ अ न्यू कॉन्स्टेंट। तो कीप दिस इन माइंड। और आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी विल गेट टू नो इज हाउ टू गेट इंटर्नशिप अंडर द हाई कोर्ट जज। सो ये बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज आई मेड ए वीडियो इंटर्नशिप, आई डिड इंटर्नशिप अंडर द हाई कोर्ट जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच। तो कैसे करना है, सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स जो आप कर सकते हो इस इंटर्नशिप को पाने के लिए। सो पहली बात तो ये है कि इंटर्नशिप बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और इवन एनी जुडिशरी। डायरेक्टली मैं हायर जुडिशरी बात कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स है, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति जिनको हिंदी में बुलाया जाता है। सो इफ यू वांट टू गेट दैट इंटर्नशिप, तो देखिए इंटर्नशिप का रोल बड़ा अलग तरह से है। ठीक है, तो देखिए देर आर टू थ्री वेज जिससे थ्रू आप इंटर्नशिप इस पा सकते हैं जो कि हाई कोर्ट जज के अंदर है। पहला तरीका ये है कि इफ़ यू नो आ हाई कोर्ट जज पर्सनली, तो आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी ईजिली। सो लाइक अगर वो जज साहब जाते हैं कि आप इंटर्नशिप करो, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट जिसके जाने वाले नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, हिज फादर इज अ हाई कोर्ट जज इन आंध्र प्रदेश। तो मुझे अगर चाहिए इंटर्नशिप तो मुझे मिल सकती है। मैं उसे बोल दूँ, भाई लगा लो, भाई सर से बोल लो, तो मुझे हो जाएगा। बट यू नो, कोई कोई इंटर्न्स कितने रखने हैं जज को, वो जज पर डिपेंड करता है। जज को इंटर्न रखने की नहीं करने, वो जज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जज डजेंट वॉन्ट इंटर्न्स, वो इंटर्न नहीं चाहते तो इंटर्न नहीं रखेंगे। इफ ही वॉन्ट्स इंटर्न तो इंटर्न मिलेंगे, इंटर्न रख सकते हैं। इंटर्न्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, मतलब आई हैवन्ट हर्ड, मैंने नहीं सुना है कोई एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता हो। बट ऑफकोर्स जो लॉ क्लर्क होते हैं उनको उनकी सैलरी मिलती है, बट नॉट द इंटर्न्स जो है आप बन के जाओगे। अब कौन से ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये भी वेरी करता है। अब आपके जानने वाले हैं, सो मे बी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो भी इजिली अप्लाई कर सकते हैं। बट हाईकोर्ट इंटर्नशिप ऐसा कोई इंटर्नशिप पीरियड नहीं है कि आप इस में हो ही। बट ये इंपॉर्टेंट क्या है कि थोड़ा सा बेसिक ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च कैसे करना है, और बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक CPC, IPC, CRPC अगर कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज आप वहाँ पे चीज़ों को समझ पाओगे। आपको रिसर्च का वर्क दिया जाएगा, तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट यू गेट टू नो कि भाई चीज़ें वहाँ कैसे हो रही हैं, वरना कोर्ट के जजमेंट देखना ही सब कुछ नहीं होता है। तो पहला रास्ता मैंने बता दिया कि आपके जानने वाले हों, ये वो तरीका ठीक है। बट मैंने जो इंटर्नशिप रियली पाई थी जो कि अंडर अ जस्टिस राजन रॉय जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इसके लिए देखिए हाई कोर्ट इंटर्नशिप ये दो जो दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ उनके जो PS होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी या असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको आप रीच करिए। ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जज को रीच नहीं कर सकते हैं, किसी भी जज को आप डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते हैं। उनको रीच करने के लिए आपको एक चैनल रहेगा, और इन दैट चैनल इज कि आप उनकी PS को रीच करिए। PS को रीच करने के लिए उनका आप मेल ID, उनके नंबर्स, अब यही है अगर कनेक्शंस हैं तो आपको उनके इजीली नंबर्स मिल जाएंगे। और देखिए आप हाईकोर्ट वेबसाइट्स वगैरह पे शायद उनके नंबर्स अवेलेबल हो, और या तो मतलब कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कर रहे होंगे, तो लाइक यू नीड टू हैव देयर कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल आईडी हो। बट इट्स मच बेटर कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच टाइप है, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क टेलीफोन से ही होता है। सो लाइक यू विल कॉल देम और पूछेंगे सर इज देयर एनी वैकेंसी फॉर दिस मंथ, वैकेंसी होगी तो आपसे बुलाएंगे, आपकी CV मांगेंगे, मे बी CV ना भी मांगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो वो कैसे क्या चीज़ों को गवर्न करते हैं, सब उनके थ्रू ही गवर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे जज को जानता हूँ हु हैड 10, 12, 13 इंटर्न्स अंडर हिम, और मैं ऐसे जजेस को भी जानता हूँ जो इंटर्न्स नहीं रखते हैं। सो ये जज का डिस्क्रिशन है, वो रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। बट ओवरऑल एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट नंबर, PS को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, PS को कॉन्टैक्ट करेंगे, ही विल लेट यू नो कि टाइम है कि नहीं है, अगर इंटर्न्स हैं कि इंटर्न्स फुल हो गए हैं। इट्स बेटर कि 1 मंथ पहले ही आप अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप को, बिकॉज आप समझ रहे हैं ना, बहुत लोग आना चाहते हैं। और फिर एक और बात है, डिपेंड करता है कौन से कॉलेज के हैं, तो कॉलेज को भी प्रेफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे NLU के हैं या फिर अच्छे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, बट ये हर जगह मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई जज है एंड वो जज बना है प्राइवेट कॉलेजेस में से, अच्छे से पढ़ के बन के, सो वो उनका खुद ही का जो सिस्टम रहेगा, वो शायद वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे टू दो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस से होंगे। सो इट डिपेंड टोटली टू जज कि वो आपको लेंगे कि नहीं लेंगे, बट आप अप्लाई करिए।
ठीक है, आप जजेस को कॉल करिए, उनके चैम्बर्स के जो एपीएस हैं पीएस हैं उनको कॉल करके आप पता कर सकते हैं। दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज लाइक। आप जा सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि क्या क्या काम मिलेगा आपको, मैं पहले बता देता हूँ। पहली बात तो बहुत इज्जत मिलेगी। सो लाइक अब मैं क्या ही चीज़ें बताऊँ, बट यू नो हाई कोर्ट की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत अलग होता है। मैं किसी अन्य वीडियो बनाऊंगा कि हाउ थिंग्स गोज लाइक। कोर्ट का अलग प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल ही जब आप देखोगे ना कि एक जज जब मूव करता है तो उसके साथ एक ऑर्डरली होता है, वो चुटकी बजाता रहता है कि भाई खड़े हो जाओ। लाइक जज आने वाले से 1-2 मिनट पहले ये आपको सुनाई देगा, जैसे ये सुनाई देगा तो इतना मतलब जज आने वाले हो, जज आने वाले तो जस्ट स्टैंड कॉर्नर ऑफ दी जो पास हुआ है, जहाँ से पास करते जज, तो उनके बॉर्डर्स में आप खड़े हो जाइए और कोई बैठ नहीं सकता उस मोमेंट में। तो प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग है, आप देखोगे तो आपको फील होगा व्हाट इज दिस, क्या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसा बड़ा अजीब सा कल्चर लगता है। बट इट्स अ कल्चर, इट्स अ प्रोटोकॉल दैट वर्क्स। तो ऐसा ही कुछ है और दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इंटर्नशिप है, अंदर जाएंगे तो रिसर्च वर्क रहेगा। जैसे जज साहब कोई वर्क है, कोई केस आया है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही 2 केसेस थे कि शुगर पे कोई एक्ट था, शुगर केन पे कोई एक्ट था, एंड वो एक्ट स्टेट स्टेट का भी एक्ट था और सेंट्रल का भी उस पर गवर्निंग एक्ट था। अब जो दोनों के एक्ट हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, तो उस एक्ट में जो स्टेट का एक्ट है उसको भी प्रेसिडेंशियल असेंट मिली, गवर्नर की असेंट नहीं, गवर्नर के बाद उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली है, और जो सेंट्रल एक्ट है उसको भी प्रेसिडेंशियल असेंट मिली। तो कौन सा प्रिवेल करेगा एट दिस मोमेंट? सो लाइक इस तरह के कुछ टफ प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ केसेस। एसईसी ऑनलाइन वगैरह आपको मिलेगा, अगर आपके पास कॉलेज से नहीं है तो आप सर्च करिए, केसेस को देखिए, रीड करिए कि कहाँ पे सब कुछ रेफरेंस मिला है, एंड अकॉर्डिंगली वो जजमेंट देंगे। बिकॉज आप समझ रहे, प्रेसिडेंट जो कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स या फिर साथ के कोर्ट सेट करते हैं, वो कोर्ट्स को मानना होता है, दे आर बाइंडिंग हायर कोर्ट्स के ऑर्डर्स। तो इसलिए समझ रहे हैं कि अगर अच्छा कोई जजमेंट मिलता है सो अकॉर्डिंगली दे विल ऑल्सो गिव द सेम जजमेंट। इसलिए आपका रिसर्च वर्क होगा, लॉ क्लर्क के साथ काम होगा कि लॉ क्लर्क भी बताएंगे कि मुझे ये काम मिला है आप भी थोड़ा सा ले लो। जज से किसा कितना इंटरेक्शन होगा ये बहुत डिपेंड करता है। कुछ जज हैं वो शायद आपसे ज़्यादा मिले, लाइक मेरे जज थे, जज सर थे जो वो रोज़ सुबह 1/2 आवर या 15 मिनट्स एटलीस्ट देते थे, और रोज़ जाते समय। सो मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन होता है, बहुत चीज़ें उन्होंने बताया जो हमेशा साथ में रहेंगी। सो ये भी जज पर डिपेंड करता है, लाइक सम जजेस वॉन्ट टू टॉक, सम जजेस डोंट वॉन्ट टू टॉक, टोटली उनके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि इतना वर्कलोड है। जो लोग बोलते हैं छोटी छोटी, बट वेन यू गो टू द कोर्ट आपको पता चलता है टाइम ही नहीं है वहाँ पर किसी के पास। मतलब वो सुबह से बैठे, हम लोग इंटर्न्स हमसे पहले आ जाते थे एंड ही वेंट आफ्टर अस। तो मतलब आप समझ रहे हो कि कितना हैवी वर्क, अच्छा खासा काम रहता है। बढ़िया रहेगा, चिल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आप लॉ फर्म जैसे प्रेशर होगा या फिर किसी एडवोकेट जैसे प्रेशर होगा, नहीं रहेगा। आपको कोर्ट प्रोसीडिंग दिखाई जाएंगी, साथ में जो मेन वर्क होगा कि आप रिसर्च वर्क, जो टफ टफ रिसर्च वर्क है वो बढ़िया से करिए। तो दिस इज हाउ इंटर्नशिप गोज लाइक। ऐसे ही कुछ होता है, इंटर्नशिप पाना है तो जो मैंने तरीके बताए उसी तरह कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। सो थैंक यू, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RM NLU, साइन ऑफ।